हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल नो कॉलेज टेक पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के अध्ययन के बारे में, कि किस शाखा को किस नाम से जाना जाता है, किस में क्या कार्य किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। नंबर दो है एस्ट्रोलॉजी, मानव के नक्षत्रों का अध्ययन। तो चलिए अगले नंबर तीन है एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। नंबर चार सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने का अध्ययन। नंबर पाँच कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से उपचार किए जाने का अध्ययन। नंबर छः है एपिकल्चर, एपिकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन पालन। नंबर सात है कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। नंबर आठ क्रायोजेनिक्स, ताप के विभिन्न प्रयोग तथा नियंत्रण का अध्ययन। नंबर नौ इकोलॉजी, वनस्पति तथा पर्यावरण का अध्ययन। नंबर दस एंटोमोलॉजी, जीवों का अध्ययन। नंबर ग्यारह एपिडेमियोलॉजी, बीमारियों व उसके उपचार का अध्ययन। नंबर बारह है एक्स बायोलॉजी, ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन, जैसे कि मंगल ग्रह और अन्य ग्रह जैसे चंद्रमा और हो गई, तो उनमें जीवन संभावना का अध्ययन। नंबर तेरह है जियोलॉजी, भूगर्भ का अध्ययन, पृथ्वी के अंदर का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन। नंबर पंद्रह हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। नंबर सोलह होरोलॉजी, यह समय मापने वाला विज्ञान है, समय मापने का अध्ययन किया जाता है इसमें। नंबर सत्रह है मीटरियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन। आगे चलते हैं नंबर अठारह मॉर्फोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना का अध्ययन। नंबर 19 न्यूरोलॉजी, मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। आगे है नंबर 20 ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों से संबंधित अध्ययन। नंबर 21 ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन, ऐसे याद रख सकते हैं इसे। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। नंबर 23 सिस्मोलॉजी, भूकंपों का अध्ययन। आगे आता है नंबर 24 एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिकल एक पानी में वायु से संबंधित मापने का होता है, वो माप एरोनॉटिकल उससे मना है एरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन। एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। एग्रोस्ट्रोलॉजी, घास का अध्ययन। नंबर 27 आर्कियोलॉजी, यह पुरातत्व से संबंधित अध्ययन है, जैसे कि पुरानी सभ्यताओं की खोज इत्यादि में। नंबर 28 कॉस्मोग्राफी, विश्व रचना संबंधित अध्ययन। नंबर 29 एपिग्राफी, शिलालेख अध्ययन। नंबर 30 आता है एथनोग्राफी, मानव जाति अध्ययन। नंबर 31 इथोलॉजी, प्राणियों के व्यवहार व आचरण का अध्ययन। नंबर 31 जिनिकोलॉजी, जीवों की जाति के विभेदों का अध्ययन। नंबर 32 फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। नंबर 33 सेलिनोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन। नंबर 34 हिपेनोलॉजी, नींद का अध्ययन। नंबर 35 आता है ओनीरोलॉजी, स्वप्नों का। नंबर 36 आता है केकोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। नंबर 37 माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। नंबर 38 इक्टियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। नंबर 39 एंटीमोलॉजी, कीटों के अध्ययन। नंबर 40 वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। नंबर 41 ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। नंबर 42
सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, नंबर 43 एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, नंबर 44 हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन, नंबर 45 मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, नंबर 46 माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, नंबर 47 पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन, नंबर 48 हॉर्टिकल्चर बागानी से संबंधित अध्ययन बागानों का अध्ययन, नंबर 49 है अर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादनों से संबंधित अध्ययन, नंबर 50 सेरिकल्चर रेशम कीट संबंधित अध्ययन, और नंबर 51 पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। तो दोस्तों ये हैं महत्वपूर्ण शाखाएं, विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं जो कि कंपोज्ड रचित की गई हैं केडी सर के द्वारा और आपके सामने प्रस्तुत किया है एनके नौखोल ने। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।